सिटी होम न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं एकता सिंगला। जिवें कि सबनों पता है कि श्रोमणी अकाली दल वालों उन्हों की एक नवी टीम चुनी गई है, तो उसी टीम को चुनन की खुशी के गुरदीप सिंह गोशा जी वालों पूरी टीम को सम्मानित किया गया। आओ थोनों दिखाने कि किस तरीके गुरदीप सिंह गोशा जी ने जो पूरी टीम है उसनों सम्मानित किया। अकाली दल जो पंजाब की मां पार्टी है, पिछले समय पिछले साल प्रधान साहब नूं दोबारा 5 साल लई असी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं पूरे डेलीगेटां ने बनाया सी। हुण उह कोर कमेटी ते प्रधान साहब सारिआं नाल सलाह करके पार्टी का विस्तार कर रहे ने। उस विस्तार दे विच साडे लुधियाणे जिले नूं बहुत मान ते सन्मान उन्होंने दिता, जो कल जनरल सकत्तर बनाए ने 3 सिर्फ पंजाब दे विच, जिहदे विच साडे लुधियाणे नूं उन्होंने सरदार हरभजन सिंह जी डंग साडे बहुत सीनियर साथी ने उन्होंने बनाया, और 6-7 मीत प्रधान बनाए ने पार्टी के लुधियाने जिले चों। टोटल जे शहर के पूरे पंजाब तो 70 बनाए तो 7 लुधियाने जिले चों बनाए। इस तरह PSC बनाई है जिहड़ी कमेटी, उहदे विच भी साढ़े लुधियाने जिले के 8 मैंबरां नूं नुमाइंदगी दी गई है। सो असी मैं समुचे लुधियाने वालों लुधियाणा जथे दे प्रधान होण दे नाते, लुधियाणा निवासियों वालों, अकाली जथा लुधियाणा शहर वालों, पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया, तो समुची कोर कमेटी ते होर जिहड़े आगू साहिबान ने उन्हां दा धन्नवाद करदा, जिन्होंने लुधियाने नूं विशेष नुमाइंदगी दित्ती आ। और पुरानी लीडरशिप जिवें मास्टर तारा सिंह जां होर सारे पुराने आगू श्रोमणी अकाली दल नूं लुधियाने नूं अकाली दल दा दिल कहिंदे सी। सो मैं समझदा भी अज्ज सरदार सुखबीर सिंह बादल जी उन्होंने भी वह गल साबित करती, उन्होंने लुधियाने नाल कितना प्यार आ, लुधियाने की लीडरशिप नूं कितना चाहुंदे ने। उहदे लई उन्होंने जिहड़े लुधियाने शहर के 15-16 साडे आगू साहिबान नूं नुमाइंदगी दित्ती, पूरे स्टेट के कौमी बनाया, मैं उन्हों का तह दिल तो धन्नवाद करदा। और जिहड़े साडे नवें आगू साहिबान बने ने उन्हां नूं मैं बधाई दिंदा, और नाल क्योंकि हुण समां आ रिहा इलैक्शन का, तो सारे वीरां नूं मेरी सुनिमर बेनती आ कि हुण दिन रात एक करके कमर कसे कर लो, तो आपां 2022 दे विच लोटू सरकार जी ने पंजाब दे लोकां दे नक विच दम करता हर फील्ड विच, उहनूं चलदा करिए, तो पंजाब विच लोकां दी सरकार लैके आईए, जनता की सरकार लैके आईए, लोकां विच रहण वाली सरकार लैके आईए, जिहड़े लोकां दे भले की गल करदी आ, लोकां दे दुख नूं समझदी आ, उह सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार लिया के पंजाब का भला करी। नहीं इदां नहीं हुंदी, जदों टिकट की गल आउंदी है ना, टिकट पार्टी सारिआं नूं नहीं दे सकदी, हरेक हलके दे विच बहुत आगू साहिबान हुंदे ने जिहड़े चाहवान हुंदे ने जां जिन्हां दी वड्डी सेवा हुंदी आ, पर उन्हां नूं जे आपां कहीए सारिआं नूं टिकट दित्ती जा सके, नहीं दित्ती जा सकदी। इस करके जिन्हों टिकट दित्ती आ दूजिआं नूं उहदा साथ देना चाहीदा, सरकार बणनी चाहीदी आ। देखो मैं उही गल कहिंदा वी जिहड़े साडे सारे लीडर साहिबान नूं मेरी बेनती आ वी बहुत लीडर हुंदे आ एक एक हलके दे विच, सारिआं दी चाह बणाउंदी आ, सारिआं दी वड्डी सेवा हुंदी आ, ये नहीं भी उन्होंने सेवा घट आते दूजे की ज़्यादा, सेवा हरेक की वड्डी होंगी है, पर सारिआं नूं टिकट नहीं दित्ती जा सकती। जिन्हों भी टिकट पार्टी देंदी है, जिन्हों भी पार्टी नुमाइंदा बनाउंदी है, जिन्हों भी आगू बना के तोड़दी है, साडा सारिआं दा फर्ज बनदा कि उहदे नाल चलिया जाए, उहदे नाल जल के उहनूं जिताया जाए, तो तां सरकार बणूगी। जदों सरकार बन जाए ना उदों सारे, चाहे कोई छोटा आगू हो चाहे वड्डा आगू हो, हरेक का मान सन्मान हो जाता, हरेक नूं सरकार का फख्र हो जाता, मन दे विच इक अलग तरह का महसूस हुंदा वी साडी सरकार आ। अज साडे कोल सरकार नहीं गी, चाहे साडे कोल अहुदे भी ने, उन्हां अहुदिआं दी कोई वड्डी अहमियत नहीं क्योंकि सरकार है नहीं, कितें पुछ प्रतीत नहीं। जदों सरकार होवे ना भी कोई अहुदा होवे तां भी प्रशासन विच पुछ प्रतीत हुंदी आ। इस करके सारिआं दा फर्ज बनदा वी जो पार्टी फैसले करदी आ उहदे ते अटल हो के रहे। सब तों पहलां तां मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, प्रधान श्रोमणी अकाली दल, NK शर्मा जी प्रधान व्यापार मंडल पंजाब, उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा जिन्होंने मैंने पंजाब का जनरल सैकटरी ट्रेड एंड व्यापार मंडल का बनाया, तो इतने गुरदीप सिंह गोशा जी तो इन्हों पूरी टीम ने सानू सन्मानित किया। इतने इन्हों सारी माकड़ का, खास करके गुरदीप सिंह गोशा जी का बहुत धन्यवाद करदा, तो उम्मीद करदा कि सारे लोग साढ़े रल के असं वो 2022 के जोर ला के अपनी सरकार लियावे, तो व्यापारियों की जी प्रॉब्लम है उन्होंने बहुत ही जल्दी हल करा, क्योंकि साडा काम जो साडी ड्यूटी यही है कि असी जिहड़ी व्यापारियों दी प्रॉब्लम ने उन्होंने लैके सरकार तक पहुँचाइए तो उन्होंने हल कराइए। तो मैं सारे व्यापारियों को व्यापार विश्वास दवाना कि काम असी बहुत ही जल्दी व्यापारियों के एक काम पहले आधार पर करांगे।
धन्यवाद। देखो मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा परमात्मा का, फिर सुखबीर सिंह बादल साहब का, बिक्रम सिंह मजीठिया साहब का धन्यवाद करता जिन्होंने बहुत एक सही फैसले लिए, जिहड़े लंबे समय तो समाज की सेवा कर रहे थे, व्यापार की सेवा कर रहे थे, व्यापारियों के नाल खड़ के मोढ़े ना मोढ़ा लौड़ के खड़े थे, उन्होंने अज्ज नुमाइंदगी मिली है बिना कह कहते बिन मांगे मिले मोती मांगे मिले ना भी। पार्टी देखती है, पार्टी दी सूह अखां होंदियां जिहदे विच अज्ज नुमाइंदगी मिली, उन्होंने मैं विनोद जैन जी, साढ़े हरभजन सिंह जी डंग जी, साढ़े दानव साहब, साढ़े तकाए साहब, साढ़े होर भी पाली प्रधान जी, सारे नुमाइंदगियां मिली, मैं सारे का जिते धन्यवाद करदा। उत्थे असीं उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी धक्केशाही कांग्रेस वल्लों लगातार की जा रही है, व्यापारी बड़े दुखी है, मजदूर बड़े दुखी है, किसान बड़े दुखी है, उहदे लई लामबंद किया जाऊगा। जिहड़े जो वादे किए सुखबीर सिंह बादल साहब ने पिछली सरकार च पूरे किए, अगों भी उही वादे लैके जावांगे, लोगों दीआं समस्या लैके जावांगे तां जो लोगों के वादे पूरे कर सकन। लोग इस टाइम तंग है, तो लोगों के नाल खड़ना साडा फर्ज बनता। पिछले दिन जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी प्रधान, उन्होंने जो दास नूं PAC का मैंबर बनाया, मैं उस गल ते धन्नवाद करदा पार्टी का, प्रधान साहब का, तो समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप का, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का, मजीठे साहब का, तो सारी लीडरशिप का, क्योंकि जो जिम्मेवारी अज पार्टी ने मैं बख्शी आ मैं उन्हें पूर्ण तौर पर निभाने की कोशिश करूँगा। पिछले समय भी पार्टी ने मैं बहुत बड़ा माण BC कमीशन का वाइस चेयरमैन ला के दिता सी, तो मैं वो जिम्मेवारी भी निभाई। हूँ भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने मैं दी है उन्हें मैं तनदेही दे नाल निभावांगा, और पूरे पंजाब दे विच जिथे श्रोमणी अकाली दल नूं तगड़ा करना उत्थे अपने मेहरा भाईचारे नूं उन्हों भी पार्टी के नाल जोड़न वास्ते उपराला करता रहांगा। तो मैं धन्यवाद करदा फिर एक बारी समुची अकाली दल की लीडरशिप का, विशेष तौर पर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब प्रधान साहब का। असी बहुत धन्यवादी हाँ सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल, जिन्होंने इस वेले ये देख के हिंदुओं एज वेल एज शहरी सिखां और बाल्मीकि भाईचारे को पूरे पंजाब दे विच नुमाइंदगी दी है, और श्रोमणी अकाली दल की एक बहुत वड्डी सोच रही है कि वो सारे ही तबके नू नाल लेके चलते हैं। ये बहुत ही खुशी भरी गल आ कि जिस प्रधान ने किसी भी तबके नाल कोई वितकारा नहीं किया हुंदा और वो पार्टी हमेशा ही ऊंचाइयां ते जांदी है। आने वाले 2022 दे विच जिहड़े असैम्बली इलैक्शन होने आ उहदे विच असी यकीन दिलाने आ कि श्रोमणी अकाली दल अपनी सरकार बनाऊगा। अज लोकां दा बहुत भरमा हंगारा जिहड़ा ना ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, 4 MP ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 MP ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 MP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ
और पंजाब की डिवेलपमेंट लिए हमेशा ही काम किया और करते रहने। तुम देखिए कि किस तरीके गोशा जी ने पूरी टीम को सम्मानित किया, तो असं भी पूरी टीम को बधाई दें, साडे चैनल वालों भी असं पूरी टीम को मुबारकबाद दें। इसी कैमरामैन जसविंदर मैं एकता सिंगला थोड़े तो विदा लें, धन्यवाद।